अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस के नेता बार बार पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, इनकी नजर पाक समर्थक कुछ लोगों के वोट पर। दिल्ली में 1 जून को इंडिया गठबंधन नेताओं की होगी बैठक, चुनाव के रिजल्ट और बाद की रणनीति पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजीत पवार ने की मीटिंग, मुंबई के गरवारे क्लब में पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने दिया था गरीब हटाओ नारा पर किया कुछ नहीं, पीएम मोदी 2014 के बाद इसे करके दिखाया। पीएम मोदी ने चुनाव आयोग की पोस्ट की रिपोस्ट, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भारी मतदान पर जताई खुशी, लंबी लाइनों में लगकर लोगों ने मतदान। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, काशी ने मुझे बनारसी बना दिया। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने पर बोले ममता का, ओबीसी के प्रति अन्याय रंगे हाथों पकड़ा गया। पीएम मोदी कल कोलकाता दौरे पर जाएंगे, नॉर्थ कोलकाता में बीजेपी प्रत्याशी तापस रॉय के लिए करेंगे रोड शो। वाराणसी दौरे पर जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर में पहुंचे, मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों के साथ पीछे, कहा बनारस पीएम मोदी का परिवार है और एक तरफा मोदी के साथ है, पीएम मोदी को यहां मिलेगा पारा आशीर्वाद। घुसी की रैली में बोले सीएम योगी, ओबीसी एससी आरक्षण में सेंध लगाने की तैयारी में कांग्रेस एसपी, लोग सरकार में आने पर मुसलमानों को आरक्षण देने की कह रहे बात। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों में मुस्लिमों को आरक्षण देने की होड़, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बलिया की रैली में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, बोले ये लोग माफिया के मरने का मातम बनाते हैं, माफियाओं को हमने मिट्टी में मिला दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले बंगाल से टीएमसी का सफाया होगा, बंगाल में बीजेपी की लहर। मिर्जापुर से एनडीए कैंडिडेट अनुप्रिया पटेल बोली, मैंने 10 सालों में मिर्जापुर में किए हैं काम, लोग हमें 3री बार भी देंगे मौका। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, जनता को इंडिया गठबंधन पर भरोसा, 4 जून को बीजेपी की हार होगी और इंडिया गठबंधन की जीत। राहुल गांधी ने पटना की रैली में पीएम मोदी पर हमला, बोला पीएम मोदी देश को बांटना चाहते हैं, लंबे लंबे भाषण देना बंद करें मोदी, पहले बताएं कितने युवाओं को नौकरी दी। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी ईडी से बचने के लिए कहते हैं, बड़े बड़े फैसले परमात्मा लेते हैं, मैं नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मोदी से अडानी पर सवाल करेगी ईडी। अग्निवीर योजना पर बोले राहुल गांधी, का अग्निवीर योजना लाकर केंद्र ने सैनिकों को मजबूर बनाया, सरकार बनने पर इस योजना को खत्म करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले बिहार में बीजेपी का हो रहा है सफाया, इंडिया गठबंधन बड़े अंतर से जीत रहा चुनाव। पटना की रैली में बोले तेजस्वी यादव, पीएम ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, उन्होंने धोखा दिया, पीएम मोदी केवल बिहार में नफरत फैलाने के लिए आते हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम मंदिर मस्जिद मछली मटन और मुजरा की बात करते हैं और हम लोग पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई गरीबी बेरोजगारी महंगाई की बात करते हैं। तेजस्वी राहुल गांधी की ज्वाइंट रैली पर बोले चिराग पासवान, ये लोग जानते हैं इनसे बिहार में कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग बस खाना पूर्ति कर रहे हैं। राहुल गांधी के पटना दौरे पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भ्रष्टाचारियों के नेता दिल्ली से आ रहे हैं, कांग्रेस ने पिछले 55 सालों में देश को सिर्फ लूटा। ओडिशा के मयूर भंज में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो, समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह का बयान, बोले यूपी में सभी सीटों पर खिलेगा कमल। खुर्दा से बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत जगदेव की गिरफ्तारी पर बोले ओडिशा बीजेपी नेता समीर मोहंती, उन्हें फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार, हाईकोर्ट ने आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों पर लगाई थी रोक। पूर्व सीएम गहलोत का सीएम भजन लाल पर निशाना, कहा सीएम चुनावी कैंपेन में बिजी, 4 महीने से लोगों को नहीं मिली पेंशन, इस मुद्दे पर तुरंत फैसला ले सीएम। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले कई अवसरवादी गद्दार भी पार्टी में रहते हैं, युवा नेता पार्टी की एसेट बने ना कि लायबिलिटी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा पीएम मोदी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक, इंडिया गठबंधन के लोग मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में स्नातक एमएलसी का उपचुनाव, नलगोंडा वारंगल खम्मन स्नातक सीट के लिए डाले जा रहे वोट, बीआरएस कैंडिडेट राकेश रेड्डी ने किया वोट। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने ससुन हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों को किया अरेस्ट, डॉक्टरों पर आरोपी नाबालिग के ब्लड रिपोर्ट में हेरफेर करने का आरोप। गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों के नाम श्रीहरि हरलोर और अजय तावरे, गिरफ्तारी से पहले दोनों डॉक्टरों से पुलिस ने की लंबी पूछताछ। पुणे हिट एंड रन केस में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कार से रेस्टोरेंट पहुंचते दिख रहा नाबालिग आरोपी। कांग्रेस नेता रविंद्र धंगेकर का एनसीपी अजीत गुट के नेता हसन मुशरफ पर आरोप, बोले पोर्श केस के आरोपी की रिपोर्ट में बदलाव डॉक्टरों ने मुशरफ के कहने पर किया। रविंद्र धंगेकर के आरोपों पर बोले हसन मुशरफ, धंगेकर स्टंटबाजी कर रहे हैं, मामले की जांच चल रही। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने, एक्सटेंशन एरिया में वेल्डिंग की वजह से लगी थी आग। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड मामले में खुलासा, गेमिंग जोन के मौजूद 5 उपकरणों से आग बुझाने की हुई थी कोशिश।
राजकोट अग्निकांड में 6 लोगों के खिलाफ FIR, मालिक और संचालक समेत कई आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। राजकोट अग्निकांड मामले में एक्शन में सरकार, नगर निगम के 5 अधिकारियों को किया निलंबित, 2 पुलिस इंस्पेक्टर भी सस्पेंड। राजकोट अग्निकांड मामले में कार्रवाई तेज, एक स्टेशन फायर ऑफिसर भी सस्पेंड, अब तक कुल 3 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजकोट के TRP गेम जोन में पहुंची FSL टीम, आग लगने वाली जगह पर जुटाए सबूत। यूपी के बड़ौत में एक अस्पताल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने किया काबू, अस्पताल में 12 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली के न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल का मालिक नवीन खिंची गिरफ्तार, घटना के बाद से फरार था, अस्पताल में शनिवार रात 6 बच्चों की हुई मौत। विवेक विहार घटना पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, मार्च 2021 में इस अस्पताल को मंजूरी नहीं दी जा रही थी, बाद में जानबूझकर मंजूरी दी, ये बच्चों की हत्या, इसके पीछे केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर के OSD बनाए गए रविंद्र नारायण दास, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने दिया एडिशनल चार्ज, विभाग ने जारी किया आदेश। तूफान रेमल के कारण कोलकाता में भारी बारिश, तेज जल भराव, बहु बाजार इलाके में सड़कों पर भरा कई फीट पानी। कोलकाता में भारी बारिश के चलते कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घुसा पानी, मरीजों को हो रही है परेशानी। कोलकाता में तूफान रेमल से भारी बारिश, डायमंड हार्बर रोड और रेड रिस कोर्स इलाके में जल भराव। बंगाल के अलीपुर इलाके में तेज हवा से उखड़े कई पेड़, प्रशासन ने पेड़ काटकर सफाई की। बंगाल के साउथ 24 परगना में रेमल तूफान का कहर, मौसमी द्वीप से पेड़ गिरने से एक महिला की मौत। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान रेमल का असर, हल्की बारिश जारी, पुलिस ने दीघा बीच पर जाने की लगाई पाबंदी। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर भी दिखा तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश। 9/24 परगना के संदेश खाले में तूफान से गिरे पेड़, NDRF ने पेड़ों को काटकर साफ की सड़क। बंगाल के साउथ 24 परगना के सुंदरबन में तूफान रेमल का असर, तेज हवाओं के साथ लगातार हो रही बारिश। पश्चिम बंगाल में चक्रवात तूफान रेमल का कहर, राज्यपाल CV आनंद बोस ने प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। चक्रवात तूफान रेमल के चलते कोलकाता में भारी बारिश, कई उड़ानें हुई प्रभावित। कोलकाता में ट्रेन सेवा दोबारा बहाल, चक्रवात तूफान रेमल के चलते बंद की थी ट्रेन। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर, CM मोहन यादव के निर्देश पर प्रशासन की कार्यवाही। 3 दिन में अलग अलग जिलों से 3,500 लाउडस्पीकर हटाए गए, इंदौर में 2 दिन में उतरवाए गए 700 से ज्यादा लाउडस्पीकर। देहरादून में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकार जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। मालेगांव में AIMIM नेता अब्दुल मलिक पर अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, 3 गोलियां लगी, अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों की कायराना करतूत, 2 BSNL टावर में लगाई आग, कई बैनर पोस्टर लगाए। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद, तलवंडी विकार के खेत में BSF जवानों ने किया बरामद। पंजाब के तरन तारण में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, एक पैकेट में बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद, बॉर्डर पार से ड्रॉप किए जाने की आशंका। नोएडा में हिट एंड रन का मामला आया सामने, सेक्टर 53 में तेज रफ्तार कार ऑडी ने बुजुर्ग कुमारी टक्कर, मौके पर ही मौत, हादसे का CCTV फुटेज आया सामने। उत्तराखंड के रुद्रपुर में हाइड्रा ने महिला पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपी ड्राइवर की खोजबीन में जुटी पुलिस। नालंदा के बिहार शरीफ में मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, महिला CHO को 5वीं मंजिल से नीचे फेंका। वैशाली में प्रॉपर्टी के लालच में रिश्तों का कत्ल, 8 साल के मासूम को चाची और 2 चचेरे भाइयों ने उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। रांची के बार में DJ संदीप को अज्ञात शख्स ने मारी गोली, बाद में बाहर से बिल्डिंग पर की फायरिंग, कार से हुआ फरार, CCTV में कैद वारदात। रांची के बार में मर्डर और फायरिंग केस में पुलिस जांच तेज, रांची के SSP ने घटनास्थल का किया मुआयना। जम्मू के संगर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के आखिरी 2 डिब्बे पटरी से उतरे, कुछ ही देर के लिए रेलवे लाइन पर यातायात हुआ प्रभावित। राजौरी के बथुनी के जंगलों में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में आर्मी चीफ मनोज पांडे ने ट्रायल के लिए हाइड्रोजन बस की रिसीव, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इंडियन ऑयल ने बनाई है हाइड्रोजन बस। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज, शांतिवन में सोनिया गांधी ने दी पुष्पांजलि, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे CM योगी, मंदिर में की पूजा, इस दौरान CM योगी ने बच्चों से की मुलाकात। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर स्टाफ को दी गई बेसिक ट्रेनिंग, अचानक हार्ट अटैक के दौरान CPR देने और प्राइमरी हेल्प के सिखाए गए गुण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 67वां
जन्मदिन आया, जो नॉर्थपुर में लोगों से की मुलाकात, लोगों ने दी शुभकामनाएं, समर्थकों ने गडकरी को लड्डुओं से तोला। ऋषिकेश मैम सीएम धामी ने चार धाम यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, इस दौरान धामी ने लोगों से भी की बातचीत। चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के बाद बोले सीएम धामी, सभी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण, यात्रा सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गई, अब कोई परेशानी नहीं। महाराष्ट्र सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने समीक्षा बैठक बुलाई, अधिकारियों के साथ प्री मानसून की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा। अयोध्या में गर्मी का प्रकोप, गर्मी से बचने के लिए श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। तमिलनाडु के धर्मपुरी में होगोनेक्कल वाटरफॉल पर टूरिस्ट की भीड़, गर्मी के मौसम में लुत्फ उठाने पहुंच रहे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खुला जिले का पहला स्विमिंग पूल, लोगों ने स्विमिंग पूल में नहा कर लिया आनंद। स्विट्जरलैंड के जुनेवा में वॉक द टॉक योग सेशन का आयोजन, भारत के हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा और WHO के DG डॉक्टर टेड्रोस के साथ सीनियर अधिकारियों ने लिया हिस्सा। इसराइल ने गाजा में किया एयर स्ट्राइक, हमले में कम से कम 35 लोगों की मौत। तेल अवीव और सेंट्रल इसराइल में हवाई हमले में सायरन बजे, हमास ने युद्ध के 5 महीने बाद दागे इसराइल में रॉकेट। इजरायली आर्मी ने गाजा में हमले का वीडियो किया जारी, आतंकी अड्डे को तबाह करने का किया दावा। भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूयॉर्क पहुंची, 1 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट, भारत का पहला मुकाबला आयरलैंड से 5 जून को होगा।